काश मैं गांव वालों की बात मान लेता, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। लगता है यहां पे आत्माओं का बसेरा है। क्या करूं? वो नदी मंदिर के पीछे बहती है। हाँ। सुबह से 10 बार यही बात सुन चुकी और इस तरफ देखो, वो दूर नजर आ रहा है, वो हमारा स्कूल है। हाँ। मुझे बहुत डांट पड़ती थी क्योंकि मैंने कभी होमवर्क नहीं किया। अरे घर आ गया। लो आ गया। चलो चलो। आइए आइए साहब। नमस्ते काकी। कैसे हैं साहब? मैं बिल्कुल ठीक। लेकिन आप ये बताइए कि आप मुझे साहब कहना कब छोड़ेंगे? साहब नहीं कहूँ तो फिर क्या कहूँ? वैसे साहब 10 सालों में काफी बदल गए हैं। माधव काका, लोग भले ही बदल जाए पर रिश्ते कभी नहीं बदलते। और जिस वफादारी से आपने हमारे इस गांव वाले घर की देखरेख की है वो तारीफ के काबिल। अरे बेबी जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हम लोगों को अपने परिवार का एक हिस्सा समझते हैं। नमस्ते काका। अरे आपने इसे पहचाना नहीं? आइए मैं आपको इसे मिलाता हूँ। ये हमारा बेटा है ओम। नमस्ते काका। ओम बेटा, कितने बड़े हो गए हो तुम, पहचान में ही नहीं आ रहे। जगन गाड़ी में से सामान निकाल। अभी निकालता हूँ। अरे काका, आपका बेटा शिब्बू कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यही कहीं होगा। अरुण साहब आए। अरे शिब्बू कितना बड़ा हो गया है तू? नहीं पापा, उधर नदी के पास। ठीक है बेटा, ठीक। साहब आप लोग थक गए होंगे, जाइए आराम कर लीजिए। रूपा साहब और मेम साहब के लिए नहाने का पानी गर्म कर दो जल्दी से। आइए बेबी जी। हाँ वो तो ठीक है, पर शिब्बू को क्या हुआ?
ये इतना डरा हुआ क्यों और वो नदी? अरे कुछ नहीं बेबी जी, वो तो यूं ही बड़बड़ाता रहता है, आप ध्यान मत दीजिए। आप आइए ना, आइए ना, आइए ना साहब जी, आओ बेटा। हाँ 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 बेटा, आइए ना बेबी जी। साहब आप लोग आराम कर लीजिए। हाँ हाँ आइए बेबी जी। पापा, बाबा, उधर नदी के पास मैं अभी देखा, उधर नदी के पास मैं देखा। खबरदार, जो साहब और मीम साहब के सामने नदी का नाम लिया तो देखा होगा, यहाँ कोई नहीं है। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं सोऊंगा, मैं यहाँ पे नहीं सोऊंगा। ठीक है बेटा, तुम यहाँ बिल्कुल मत सोना, तुम मम्मी और पापा के पास सोना, ठीक है? आओ, चलो, 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 चलो। मैंने देखा था। ओके। आओ, चलो।
ओम बाबा, जरा धीरे भागो। अरे बाबा देखेगी आपको। हे भगवान, अरे ओम बाबा, ओम बाबा रुको। ये कौन सा खेत है? गन्ने का खेत है ओम बाबा। गन्ने का खेत? हाँ। इतना सारा? जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ना ओम बाबा, ये सारा का सारा खेत है ना, अपना है ओम बाबा। हमारा? और इतना सारा? शहर में तो हम छोटे से घर में रहते हैं, और यहाँ ये पूरा गांव हमारा। ओम बाबा, वो शहर है और ये गांव है, और गांव की तो बात ही कुछ और होती है ओम बाबा। चलो खेलते। हाँ, खेलते। चलो खेलते हैं। कौन सा खेल खेलोगे? दौड़ा दौड़ी। हाँ। नहीं नहीं, दौड़ा दौड़ी नहीं, उसमें है ना बाबा, आपको भी लग सकती है और आपको भी लग सकती है बाबा। हम एक काम करते हैं, हम छुपा छुपी खेलते हैं। हाँ, है ना? हाँ। बहुत अच्छा खेल। मैं आके बंद करता हूँ और दस्तक गिनता हूँ, तुम लोग अब तो छुप जाना। लेकिन मैं दस्तक गिनूंगा, ठीक है? दस के बाद मैं आ जाऊंगा, उससे पहले तुम दोनों को छुपना है। जल्दी से जाके छुप जाना। और सुनो, मैं दस्तक गिनूंगा, केवल दस्तक, और उसके बाद मैं आ जाऊंगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, मैं रहा हूं। अरे कहाँ हो बाबा? शिबू बाबा, अरे कहाँ छुप गए शिबू बाबा? शिबू बाबा आप उधर है ना? देखो मैं आ रहा हूँ शिबू बाबा। अरे किधर गए ओम बाबा? ओम बाबा, अरे किधर गए? जगन भैया, मैं यहाँ पर हूँ। शिबू बाबा, लगता है वो वाले झाड़ के पीछे। ओम बाबा आप इधर है ना? जगन भैया, जगन भैया ढूंढो मुझे। शिबू बाबा, शिबू बाबा, ओम बाबा, शिबू बाबा,
शिवू बाबा, शिवू बाबा। शिवू बाबा, शिवू भैया, शिवू बाबा, शिवू बाबा, वंदे। वाकई अरुण, तुम्हारा यह गांव तो बहुत ही सुंदर है। मन करता है कि हमेशा हमेशा के लिए यहीं बस जाओ। नैना, दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है, पर हम लोगों की दुनिया अब अलग हो गई है। हमें शहर में रहने की आदत हो गई है। गन्ने का खेत देखने गए थे, तभी वहाँ किसी ने शिवू पर हमला कर दिया। हमला कर दिया? किसने? पता नहीं साहब, हमें तो ये इसी हालत में पड़ा मिला। मम्मा, मैंने सामने को फिर से देखा गन्ने के खेत में। कौन आदमी? जो मुझे उस दिन कमरे में दिखा था। तुम सच कह रहे हो बेटा? अरुण, मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या क्या वाकई कोई ऐसा आदमी है जो? तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। मुझे लगता है कि कल रात का डर इसके दिल से अभी तक नहीं गया। कोई बात नहीं, हो चल अंदर चल। अच्छा, रूपा, मुझे लगता है कि हमें साहब को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। पगला गए हो क्या? बताने का अंजाम जानते हो ना? जानते हैं, लेकिन नहीं बताने का अंजाम इससे भी बुरा हो सकता है। आज शिवू पर हमला हुआ, कल हम में से किसी पर भी हो सकता है। नहीं, कल सुबह होते ही हम साहब को सब कुछ बता देंगे। बात तो सही है जी, ठीक है। आपको अगर यही सही लगता है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। कहाँ जा रहे थे? ऐसी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बाहर थोड़ा सा टहल कर आता हूं। बाबा, हाँ बाबा,
बाबा ये कैसे हो गया बाबा? काकी किसने किया ये? बाबा उठो ना। कौन कहा है? अपने कमरे में। तू उसके पास जा, कहीं ये सब देखकर वो डर ना जाए। हाँ बाबा। काकी बाबा बाबा उठो। काका काका बाबा शिवा बाबा उठने शिवा काका बाबा संभाल अपने आप को। माँ संभाल अपने आप को शिवा। काका अरुण अरुण अपने कमरे में नहीं तो कहाँ गया? मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी तो अपने कमरे में देखा था मैंने उन्हें। कमरे में देखा था तुमने? कहाँ गया? ओम बाबा तुम्हें नदी पे मिलेंगे, बचा लीजिए उन्हें। ओम बाबा की जान को खतरा है। यह क्या कर रहे हो आप? लोगों को पता नहीं यहाँ पर लोगों का आना मना है। भाई साहब, मेरे साहब जी का बच्चा खो गया, उसे ढूंढ रहे हैं। यह इलाका सुरक्षित नहीं है, आत्मा भटकती है यहाँ पर। आत्मा? किसकी किसकी आत्मा? जाओ जाओ, चले जाओ, जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। भाई साहब, भाई साहब प्लीज, भाई साहब हमारी मदद कीजिए। मेरा 11 साल का बच्चा वो यही कहीं आया था, हमारी मदद कीजिए प्लीज। ठीक है, आप लोग उधर देखिए, हम इधर देखते हैं, चलिए। ओ बाबा, ओ ओ ओ साथी, साथी, साथी नहीं आया, वो बाबा की बाला था।
जल्दी जल्दी भागे। अरे बेटा आप भी आइए, जल्दी आइए, जल्दी सामने चलिए, उधर हम बाबा की बोले। कहाँ? उधर उधर सामने सामने वहाँ सामने। कहाँ है बॉल जगत? अरे अभी तो मैंने देखी नहीं बॉल, यहाँ थी यहाँ। अरे बॉल यहाँ थी तो दिखती ना। सच कह रहा हूँ साहब, मैंने यही ओम बाबू की बॉल देखी थी। अरे क्या हुआ ओम? मैंने ओम का कुछ, ओम का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जगन कह रहा उसने उसकी बॉल देखी थी यहाँ। अरे अगर बॉल यहाँ देखी तो ओम भी यही कहीं होगा ना। अरे प्लीज मुझे ओम चाहिए यार। नैना प्लीज हौसला रखो प्लीज। अरे साहब अचानक बेचारे माधव को क्या हो गया, कैसे मौत हो गई इसकी? सब हो क्या रहा है? पहले शिब्बू पर हमला, फिर माधव काका की मौत, और अब यूं ओम का नदी पर मिलना। ये सब काकी आपको कैसे पता कि ओम नदी पर मिलेगा? क्या आप जानती हैं कि ये सब कौन करवा रहा है? साहब ये सब लोग डर के क्यों चले गए बाहर? काकी बताइए ना, क्या ऐसा कुछ है जो आप हमसे छुपा रही हैं? बोलिए ना काकी। वो नदी वाला आदमी मार देगा सबको। चुप! माँ वो ये हाँ काका। काकी काकी आप क्या छुपा रही हैं हमसे? काकी बताइए ना, कौन करवा रहा है सब? काकी प्लीज बताइए। माँ बता दे माँ। काकी काकी प्लीज आप क्या छुपा रही हैं बताइए ना, काकी बोलिए प्लीज।
साहब जी, जरा गांव वालों को देखिए पीछे, चिता से कितनी दूर खड़े हैं। साहब जी, कुछ तो मनहूस वजह है जिसकी वजह से ये सब हादसे हो रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो जगन, रूपा काकी जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। साहब जी, अगर आप बोलो तो मैं गांव वालों से पूछताछ करूं। ठीक है जगन। बोलिए भाई साहब, ये सब गांव में हो क्या रहा है? एक के बाद एक किसी की मौत हो रही है, हैं? और आप लोग चिता से इतनी दूर क्यों खड़े? इस चीज के बारे में मुझसे मत पूछिए, मेहरबानी करके। अरे आप मेरी बात तो सुनिए, उतना ही मेरा पानी जितना चाहिए मैं आपको। नहीं नहीं, आप अरे रखो रखो, चिंता मत करो, बस आप मेरा साथ दो। अरे ये आप क्या करें, फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे साहब फोन उठाइए, अरे फोन लगा, अरे साहब फोन उठाइए। साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अरे साहब फोन उठाइए। जगन, हाँ जगन, हाँ हेलो साहब, जगन बोल रहा हूँ मैं। साहब ये हमें जगह है ना, जल्द से जल्द छोड़नी पड़ेगी साहब। तोड़नी होगी मतलब? अरे वो साहब, ओम बाबा की जान को खतरा है। ओम की जान को खतरा? किससे? वो, अरे वो, वो। हेलो, हेलो, हेलो जगन, क्या हुआ तुम्हें? साजे, 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 खतरा है, और तभी अचानक फोन कट गया। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? नैना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ। काकी, काकी, तुम जानती हो ना कि ये सब कौन करवा रहा है? प्लीज प्लीज मुझे बता। काकी, काकी, ऐसा क्या है जो आप हमसे छुपा रही हैं? जवाब दीजिए। काका, काका, वो नदी वाला सब नहीं, नहीं, अरे आप कुछ बता क्यों नहीं रही है? देखो काकी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए आप।
अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कौन मारना चाहता है मेरे ओम को और क्यों मारना चाहता है, जवाब दो काकी। ठीक है साहिब, आप अगर सुनना चाहते हैं तो सुनिए। कई साल पहले जब आपकी माँ जी जिंदा थी तब उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो अपने पोते को अपनी गोद में खिलाए, लेकिन नैना भाभी तो वो इच्छा पूरी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बेचारी तो मां नहीं बन सकती थी। मगर उसी वक्त इसी गांव का एक आदमी नदी पार से अपनी गर्भवती बीवी के लिए कुछ दवाइयां लेकर आ रहा था, पर एक हादसे में उसकी नाव पलट गई और वो नदी में डूब कर मर गया। और वो बच्चा और कोई नहीं, ओम बाबा है। जिसे आप लोगों ने गोद लिया था अपनी माँ जी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। मगर वो आदमी जिसकी नाव चलाते हुए मौत हुई वो ओम का असली बाप। जी बीबी जी, और जब से आप लोग ओम बाबा को लेकर शहर चले गए हैं उस आदमी की आत्मा यहीं से गांव में भटक रही है। अपने बेटे को पाने की चाह में वो लोगों को मारता फिर रहा है। बेबी जी, आप ओम बाबा को लेकर जल्दी से जल्दी यहां से चले जाइए, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाइए। जाइए बेबी जी, आप चले जाइए। ये जगन फोन क्यों नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। फोन उठा जगन। चलो। जगन भी फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ है बेचारा। जल्दी कर, चलिए काकी, चलिए सही। आई आई आओ। अच्छा अच्छा, अरे दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया। किप आओ इधर से, आओ इधर से। ये क्या हो रहा है काकी? पता नहीं साहिब, पता नहीं। अरे दरवाजे अपने आप कैसे बंद हो रहे हैं? माँ खोलो, अरे खोलो भाई, ये दरवाजे कैसे बंद हो गए, खोलो। ओम कहाँ गया? अभी तो यही था। कहीं मुझसे ले तो नहीं गया? अरुण, अरुण कुछ करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अरुण साहिब, साहिब वो जरूर ओम बाबा को नदी पर लेके आओगा। साहिब जल्दी कीजिए, जल्दी कुछ की, चले साहिब। चलो चलो काकी, चलिए चल। अच्छा चल, चलो मम्मा बचाओ, पापा बचाओ मुझे। Oh!
शिवू, आना। ओ बाबा, ओ, ओ। समझ गए शिवू, आना। शिवो, ओ बाबा, ओ बाबा, शिवो भैया, मुझे बचा लो, ओ, ओ, माँ, ओ, 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 Yeah.